सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर मेनका गांधी के बयान की निंदा की है। देखिए बीएसपी सुप्रीमो ने ट्वीट करके मेनका गांधी के बयान की निंदा की है। मायावती ने मेनका गांधी के बयान की निंदा की है, वोटरों को उनका काम ना करने की धमकी। मेनका गांधी का बयान निंदनीय है और मेनका ने मुस्लिम समाज पर बयान दिया था। देखिए अब सबसे हम ये, लेकिन अगर मेरी जीत मुसलमानों के बिना होगी तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इतना मैं बता देती हूँ कि फिर दिल खट्टा हो जाता है। फिर जब मुसलमान आता है काम के लिए, फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं रहने ही दो, क्या फर्क पड़ता है। आखिर नौकरी एक सौदेबाजी भी तो होती है, बात सही है कि नहीं? ये नहीं कि हम लोग सब महात्मा गांधी के छठे औलाद हैं कि हम लोग आए केवल हम देते ही जाएंगे और फिर इलेक्शन में मार खाते जाएंगे। जवाब दिया है मायावती ने, क्या कुछ क्या लिखा है मायावती ने, बीजेपी नेताओं ने विकास, कालाधन, भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी और किसानों को बुलाकर राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे उठाए, उसमें भी असफल होने पर अब वोटरों को उनका काम ना करने की धमकी जैसा देने जैसा कि श्रीमती मेनका गांधी द्वारा किया गया, यह अति निंदनीय है। तो निंदा की है मायावती ने और साफ साफ उन्होंने लिखा है। फरमान अब्बास हमारे सहयोगी हमारे साथ। फरमान, मेनका गांधी के बयान की निंदा की है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। बिल्कुल, ट्वीट कर मेनका गांधी का जो बयान था, एक सभा में उन्होंने जब जो बयान दिया था, उस बयान को लेकर मायावती ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके उनके बयान को आड़े हाथों लिया है और उस बयान की निंदा की है। मायावती ने ट्वीट में ये कहा है कि वोटरों को उनका काम न करने की धमकी वाला जो मेनका गांधी का बयान है वो काफी निंदनीय है और मेनका गांधी ने मुस्लिम समाज पर जो बयान दिया है वो मुस्लिम के मुस्लिम वोट नहीं करते तो काम क्यों करें। इस बयान पर जो मायावती है उन्होंने ट्वीट कर मेनका गांधी पर निशाना साधा है। गौरतलब है कि किसी भी नेता का इस चुनाव में एक ट्रेंड देखा गया है कि किसी भी नेता का कोई बयान आता है तो उसके बयान के जवाब में जो बड़े नेता हैं वो ट्वीट करके निशाना साधते हैं। ये उसी कड़ी में एक बार फिर से मेनका गांधी का जो बयान था उस पर मायावती ने पलटवार किया है और उनको जी बिल्कुल। फरमान देखिए तो किस प्रकार से ट्वीट किया गया है। और फरमान एक बात ये भी है, एक तरफ मायावती खुद जब इस तरह की बात बोलती है कि मुस्लिम्स का वोट बटने ना पाए, आप वोट दे कांग्रेस के साथ ना जाए, दूसरी तरफ मेनका गांधी के बयान की निंदा करते, कितना प्रासंगिक रह जाता है फरमान? देखिए बिल्कुल, तमाम नेता जो खुद करते हैं लेकिन अगर कोई दूसरा है उस तरह का कृत्य करता है या उस तरह की बयानबाजी करता है तो उस पर उसको आड़े हाथों लेते हैं। अगर हम मायावती की बात करें तो मायावती ने जो जिस तरह से पश्चिम में एक रैली के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों से वोट देने की अपील की थी उस पर चुनाव आयोग ने भी उनको नोटिस किया था और जवाब तलब किया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और आज है सियासत का सुपर संडे, ऐसा इसलिए